बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो जी, मैं आई हूँ वॉक के लिए और इतने खूबसूरत से नज़ारे हैं जो कि मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। मॉर्निंग वॉक एक तो आपको वैसे भी हेल्दी बनाती है और सुबह सुबह की ये जो खूबसूरत मौसम और ग्रीनरी होती है, ये देख के आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों में से कौन कौन मॉर्निंग वॉक पे जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप लोग नहीं जाते तो जाया करें, ये बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और वैसे भी सुबह सुबह की जो वॉक होती है वो बॉडी के लिए, आँखों के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है, तो किया करें आप लोग भी, बाहर जाया करें। मैं अपनी अम्मी को भी रोज़ बोलती हूँ कि आप वॉक पे जाया करें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये बहुत ही प्यारा पार्क है और यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये इतना बड़ा पार्क है कि आप अगर एक पूरा राउंड लगाओ तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, इतना ये बड़ा पार्क है। और मेरे से तो वैसे घंटा डेढ़ घंटा वॉक होती है, तो वो मैं कर लेती हूँ इजीली। परिंदों की बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही होती हैं और बहुत फ्रेश लग रहा होता है सुबह सुबह ये सब देख के, तो इसलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि अगर आप वॉक पे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जाते हैं तो प्लीज़ जाया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी, तो अभी हम आए हैं सुशी, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिल जाता है। और वैसे हम लोग तो पियेंगे सिर्फ कॉफ़ी और खाएंगे आइसक्रीम, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो कॉफ़ी पियेंगे और हमारा एक कज़न है साथ, तो वो भी कॉफ़ी लेगा। तो जी, ये हम लोग यहाँ से ऑर्डर करने लगे हैं, और आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ आइसक्रीम। जी, तो आपके लिए भी ये एक बाइट है, खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम है।
जी तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और आज डिनर में बहुत ही स्पेशल बन रहा है। और इसकी कंप्लीट रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप चेक करना चाहें तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे आलू, और इनको मैंने मसाला जो लगाया है वो चिकन टिक्का मसाला है, और वो मैंने योगर्ट में डाला था चिकन टिक्का मसाला, और साथ में लेमन और सिरका और थोड़ी सी काली मिर्च और आई थिंक नमक। तो बस इन चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने वही मसाला जो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए भी यूज़ किया है और आलू को मैरिनेट करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में, और उसके बाद अब आलू जो है उनको मैं ग्रिल कर रही हूँ ग्रिल पैन में, और चिकन को मैं थोड़ा सा पहले स्टीम कर लूँगी, और जब ये स्टीम हो जाएगा तो फिर मैं इसको डाल दूँगी एयर फ्रायर में, क्योंकि ये पूरा चिकन है, पूरी जो मुर्गी है, तो एयर फ्रायर में मुझे लग रहा था कि शायद ये अंदर तक कुक ना हो, तो इस वजह से इसको मैंने पहले स्टीम किया और फिर मैंने इसको एयर फ्रायर में डाला। तो वैसे एयर फ्रायर जो है उसमें ऑप्शन है कि आप चिकन को इस तरह से पूरा जो है वो ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। मैं कभी ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो कैसा रिज़ल्ट आता है उसका। तो वैसे ये बहुत ही मज़े का बन जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका बनता है, चिकन का भी और आलू का भी। और जी आप देखिए, मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया था और ये बहुत ही अच्छा सा ऊपर से कलर भी आ गया है और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गया है। तो ये बनाया था मैंने चिकन तंदूरी रोस्ट और साथ में ग्रिल्ड आलू। तो ये आज हमारा डिनर था, साथ में मैंने चावल बनाए थे। और ये देखें जी, इसको आप एंड पे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो साथ में सैलड बनाया था मैंने, और चावल जो है वो मैंने बनाए थे एग बिरयानी वाले, और इसकी भी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और देखने में भी और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी दोनों रेसिपीज़। और जी यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैंने प्याज लहसुन और अदरक को फ्राई किया है, साथ में हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं, और इनको भी फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और खड़े मसाले, ये जो सारे लवाजमात बिरयानी के होते हैं वो डालेंगे। और अंडे जो हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया था और छील के, तो सॉरी उनका छिलका निकाल के, तो फिर मैं वो इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा फ्राई करके दम लगा दूँगी, और चावल बॉईल करेंगे और इनकी लेयर लगाएंगे, तो बिरयानी हमारी तैयार है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी ना लग रही हो तो उसके लिए माजरत। तो ये जी देखिए, बिरयानी का मसाला कितना अच्छा सा बन चुका है, और अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे जब ये ऑयल छोड़ देगा। तो ये जी देखिए, मसाला जो है उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अंडे। 6 मैंने अंडे बॉईल किए थे, और अगर कोई भी बीपी का मरीज़ है तो वो ये बिरयानी ना खाए सिर्फ चावल खा ले, अंडे ना खाए। तो जो एग लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़े का है, जैसे कि मेरे बच्चे को भी अंडा बहुत पसंद है, खाना उनको अच्छा लगता है, तो उसको ये बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। और
तो जी ये फ्राई हो चुकी है, अब इसमें धनिया डाल देंगे और अब इसको मिक्स करके तो मैं 2 मिनट दम लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मसाला जो है वो पक जाए। अब इसमें से मैं अंडे और थोड़ा सा मसाला निकाल लूंगी और इसी में मैं चावल की लेयर लगा के तो बिरयानी जो है उसको दम लगा दूंगी। जी तो आप इसी तरह से लेयर्स लगाएं और इसको दम पे रख दें तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। तो ये था आज का मेरा डिनर और ये थी मेरी आज की वीडियो। आप बताइएगा मुझे कैसी लगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।